अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करते हैं कि पैसों से जुड़ी हुई समस्या को किस प्रकार दूर किया जाए। आजकल पैसों की समस्या का सामना लगभग हर किसी को करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद से, जब से जिनका काम बहुत अच्छा चलता था, उसके बाद से, लॉकडाउन के बाद से उनका बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और जिनका नॉर्मल था उनका तो बिल्कुल बंद हो गया है। पैसे की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, पैसे से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ उसके बाद से ये आपकी ये समस्या धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। इस उपाय को करने के लिए हमें चुनना है शुक्रवार। इस उपाय को करने के लिए आपको ना शुक्ल पक्ष का शुक्रवार से शुरुआत करनी है। इसमें आपको क्या करना है, ये उपाय आपने सबसे पहले सुन लो, हर शुक्रवार को करना है। सुबह जल्दी उठो, नहा धो के आपने खीर बनानी है, और खीर में आपने मिश्री डालनी है। ये उपाय मैं पहले भी बता चुकी हूँ। खीर आप चावल की भी बना सकते हैं और साबूदाने की भी बना सकते हैं। मान लो जिस दिन फ्राइडे हो उस दिन एकादशी भी हो, तो उस दिन हम जैसे राइस नहीं खाते, चावल नहीं खा सकते, तो आप उस दिन साबूदाने की खीर बनाएं। खीर बना के मिश्री डाल के उसमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को भोग लगाओ। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एक कंजक लेके आनी है घर में। कंजक आपने देखना है कि गरीब घर की लड़की लेके आओ, छोटी सी लड़की, छोटी कंजक हो, गरीब घर की हो। आप अपनी मेड की बेटी को भी ले सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने अपने किसी सोसाइटी में जैसे जो पहले से काफ़ी रिच है उसकी लड़की को बिठा लिया कंजक, ऐसा नहीं करना। आपने गरीब घर की लड़की को कंजक रूप में बिठाना है, उसको अपने घर बुलाओ। उससे एक दिन पहले यानी कि थर्सडे को आप उसको इनवाइट करके आओ कि कल तुमने हमारे घर आना है। जैसे वो लड़की सुबह आएगी कंजक पूजा पाठ करने के बाद, आपने उसको कंजक को अपने घर बुलाया, उसको बैठने के लिए सुंदर सा आसन दो, बिठाओ, उसके पहले पैर धो। पैर धोने के बाद उसको लाल सिंदूर से, जैसे हम तिलक करते हैं कंजकों में बिठाते हैं, तिलक के बाद उसको हाथ में मौली कलावा बांधो। बांधने के बाद उसको आपने खीर देनी है खाने के लिए। खीर के साथ अगर आप चाहो तो पूड़ी वगैरह भी दे सकते हो, नहीं तो खीर कभी बहुत है, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे नहीं तो खीर भी बहुत है। खीर का प्रसाद दे दिया, उसके बाद आप उसको अपनी पॉकेट में जितनी आपकी पॉकेट अनुसार क्षमता हो आप उसको थोड़ी सी दक्षिणा दो, उसका आशीर्वाद लो। ऐसा आप लगातार हर शुक्रवार को करते रहें। आप देखोगे कि धीरे धीरे माता लक्ष्मी आपके घर आना शुरू हो गई है। रास्ता कुछ भी बने वो मैं नहीं जानती, माता लक्ष्मी जानती है कि किस प्रकार उसको आपके घर आना है। लेकिन इस उपाय को लगातार करते रहिए, और जैसे जब अब आपके घर मान लो काफ़ी पैसा आना शुरू हो गया, इस उपाय से डेफिनेटली फ़ायदा तो आपको होगा ही सही, आपके घर पैसा आ गया। फिर ये नहीं है कि आप इस उपाय को करना बंद कर दो कि अब तो हम पैसे वाले हो गए हैं हमें क्या करना है, ऐसा नहीं। इस उपाय को अपनी लाइफ टाइम का हिस्सा बनाओ। कई बार किसी शुक्रवार को आप कहीं बार गए हुए हो नहीं कर सकते, तो माता लक्ष्मी से माफ़ी मांग लो। वरना अगर आप घर पे हो और इस उपाय को करने की कंडीशन में हो तो इसको लगातार करते ही रहे, इस फिर देखोगे कि इसका चमत्कार क्या है। आप इस उपाय को औरों को भी बताओ जिसको इसकी ज़रूरत है, धन से जुड़ी जो समस्या का सामना कर रहा है उसको भी बताएं।